हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे पेशावर में होने वाली दहशतगर्दी के हवाले से। आज 12 रबीउल अव्वल के दिन, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन, जब पूरे मुल्क में अमन और सलामती की दुआएं मांगी जा रही थीं और दुरूदो सलाम की सदाएं बुलंद की जा रही थीं, ऐसे में पाकिस्तान के दुश्मनों, इस्लाम के दुश्मनों ने पेशावर को एक बार फिर दहशतगर्दी का निशाना बनाया। दिसंबर का महीना 3 साल पहले भी था जब आर्मी पब्लिक स्कूल का सानहा पेश आया था और खुदा ने आज उस किस्म के एक बड़े सानहे से बचाया, क्योंकि कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने आज एक और पेशावर के तालीमी इदारे जरे यूनिवर्सिटी, उसके हॉस्टल को निशाना बनाया और उनके वारदात के, उनकी दहशतगर्दी के तरीक़ाकार से लगता है कि वो इस इलाके की और उस यूनिवर्सिटी की अच्छी तरह से रैकी कर चुके थे और उनको ये भी मालूम था कि आज 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी है, लेकिन जो रश है, जो लोगों की तादाद है, वह हॉस्टल की तरफ या जरे यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट्रेट की तरफ ज़्यादा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर राज्य तहसीन देना चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेस को, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को और पाक फौज को, जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई की और एक बड़े सानहे से बचा लिया। बड़े सानहे से तो बच गए, अगरचे 9 मासूम जाने शहीद हो गए जिनमें 6 तालिबे इल्म भी शामिल हैं। एक बड़ा लॉस है, एक बड़ा नुकसान है 11 अफराद का शहीद हो जाना, लेकिन जिस तरह का क्वांटम, जिस तरह का हुजुम, जिस तरह के सानहात ये मुल्क बर्दाश्त कर चुका है कि 50 और 100 जाने हमने इस किस्म के बड़े बड़े सानहात में शहीद होते हुए, ज़ाया होते हुए देखी हैं, तो कम अज़ कम आज के सानहे के मौके पे खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने, पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई की। अगरचे हम बार बार कह रहे हैं कि 11 जानों का शहीद होना भी इस मुल्क के लिए किसी सानहे से कम नहीं है, लेकिन इसमें सिक्योरिटी अहलकार भी जख्मी हुए हैं और जो चौकीदार है ज़रे यूनिवर्सिटी का, जो कि दरअल के दरवाजे पर तैनात था, वो भी इसमें शहीद हो गया है। इस मामले पर भी बात करेंगे, हमने कहा कि खराज तहसीन है खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को, पाक फौज को, इस पर भी बात करेंगे, उनकी बरवक के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन जहां पर लूप होल्स हैं उस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं IG खैबर पख्तूनख्वा सलाहुद्दीन महसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सलाहुद्दीन महसूद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पर। और आज का दिन बहुत भारी दिन है, बहुत बड़ा दिन है, बहुत मसरूफ दिन आपके लिए रहा है कि आपके जवानों ने जिस तरह की सख्त सूरत हाल का सामना किया और फिर 11 मासूम जाने जो है वो शहीद हुई हैं। इस मुल्क के लिए शोक का दिन है, लेकिन फिर भी कहेंगे कि एक बहुत बड़े सानहे से इस कौम को बचा लिया और उसमें आपके पुलिस और डेफिनेटली उसके बाद फिर पाक फौज खिराज तहसीन के मुस्तहिक भी है। तो इस वक्त की अपडेट्स क्या हैं IG साहब? इसमें बहुत शुक्रिया, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बड़ा अफसोसनाक वाकया था और इस तरह के वाकयात में जितना भी हम काम करते हैं हमेशा ये आरजू रहती है कि काश हम इससे ज्यादा बेहतर कर सकते और ज्यादा जाने बचा सकते। आज जो सुबह वाकयात शुरू हुए थे, इसमें यहाँ पर मैं ये गुजारिश करना चाहूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और पाक फौज के जो मुख्तलिफ दस्ते थे, ये वक्त पर पहुंच गए और वक्त पर कार्रवाई शुरू होगी, वरना इससे बहुत ज्यादा जानों का ज़िया और हो सकता था। मिलिटेंट्स को खत्म करने के बाद तकरीबन 20 हैंड ग्रेनेड्स बाकी रह गए थे उनके पास, 3 खुदकश जट्टे थी और बहुत सारा एमुनेशन था। यहाँ पर ये जो 11-12 कीमती जाने इसमें जो लोग शहीद हुए, इसके अलावा एक और हॉस्टल में 70-80 लोग थे, उसके अलावा 70-80 वहाँ पर क्वार्टर्स और घर थे जिसमें 250-300 लोग थे जी। टारगेट्स उनके पास इन 11 शहदा के अलावा 350-350 अफराद और भी थे जिनको
निकाल लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस तमाम ने अपनी पूरी पूरी कोशिश की और जिस तरह आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत बड़े नुकसान को तो बचा गए हैं, हालांकि जो शहदा हो गए उनका दुख भी है और उनकी हमारी दुआ भी है कि अल्लाह ताला उनके लवाइकीन को सब्र अता फरमाए। तफ्तीश जारी है, मजीद इस पर कार्रवाई हो रही है, देखेंगे कि आगे इसमें क्या क्या निकलते हैं और पुलिस को क्या करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सलाउद्दीन साहब, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि पुलिस की बरवक कारकर्दगी और पाक फौज के बरवक वहां पे पहुंच जाने के हवाले से इस पर डेफिनेटली खिराज तहसीन के तो मुस्तहिक हैं और आप लोग तो फ्रंट लाइन पर हैं। अभी कुछ अरसा, बल्कि पिछले हफ्ते ही एक आला पुलिस ऑफिसर वो पिशावर में अपनी जान शहीद कर चुके हैं, तो आप लोग तो फ्रंट लाइन पे हैं इस जंग में, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स होते हैं, उसको भी हम आइडेंटिफाई कर लें, उस पर भी हम ऑनेस्टली बात कर लें, तो आगे बढ़ने में, काम करने में, स्ट्रेटजी बनाने में आसानी हो जाएगी। अब बैन टीटीपी ने इसकी जिम्मेदारी तो कबूल कर ली है, इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि ऑफिशियल लेवल पे पिशावर के खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने, और ये बताएं कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये लोग आज सवेरे ही आए हों या कल रात ही आ गए हों, डेफिनेटली ये इससे पहले इस इलाके की रैकी करके गए होंगे, अंडरस्टैंडिंग करके गए होंगे, तो क्या यहां पर लूप होल नहीं आता कि जब ये अंडरस्टैंडिंग कर रहे थे इन्होंने कुछ फोन कॉल्स की होंगी, कोई इनके सहूलतकार होंगे, कोई इनके मुआविन होंगे, जैसे सरहद पार से आए हैं कहा जा रहा है, अफगानिस्तान से इनकी कड़ियां मिल रही हैं, तो क्या यहां पर कोई सिक्योरिटी लूप होल्स पाए जाते हैं? लूप होल्स या सिक्योरिटी लैप्स का नाम मुनासिब लफ्ज नहीं होगा, इसलिए कि मैं आपको थोड़ा सा अपनी एफर्ट्स बता दूं। खैबर पख्तूनख्वा में, फाटा में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तान आर्मी और पुलिस बहुत ज्यादा काम करती है, बहुत ज्यादा रिजल्ट देती है। ठीक, पिछले दो सालों में तकरीबन 1350 मिलिटेंट उठाया है और वो सारा का सारा अदालत में और जेल में और अपनी जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ठीक, इस साल 419 मिलिटेंट गिरफ्तार हुए हैं, पिछले हम 8-9 महीनों में तकरीबन 10,000 के करीब सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशंस कर जाते हैं, 9-10,000 के करीब। ठीक, इसमें 4-4.5 हजार करीब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो जाते हैं 8-9 महीने में। इसके अलावा हम 2.5 लाख से लेकर 3 लाख 3.5 लाख तक घर चेक कर लेते हैं इस पीरियड में। 70,000 स्कूलों की चेकिंग में उनको एडवाइजरी इशू करते हैं। 4,000 स्कूलों के खिलाफ FIR काटी जाती है जहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम कम हो। और पिछले 9 महीने में हमने 2.5 लाख स्कूल चेक किए तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा में। एफर्ट्स तमाम रहती हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, मिलिटेंट्स उठाए जाते हैं, सारा काम चल रहा होता है और 97-98-95% रिजल्ट एट एनी गिवन टाइम पाक फौज और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और हमारे जितने इंटेलिजेंस अदारे हैं फौज के और सिविल अदारे, ये लगातार काम कर रहे होते हैं। तो एक आध इंसिडेंट, 16 इंसिडेंट जो है जब होता है तो इट इज नॉट अ सिक्योरिटी लैप्स, इसलिए कि दहशतगर्द भी तदबीर इस्तेमाल करते हैं, उनके पीछे इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो भी अपनी हिकमत अमली तैयार करते हैं, वो भी मंसूबाबंदी करते हैं, फिर उसमें चीट का और डिसीट का बड़ा एलिमेंट होता है। उसको लूप होल्स या लैप्स नहीं कह सकते, सिक्योरिटी फोर्सेस फुल टाइम काम करती हैं। हाँ, 98-99 के बाद अगर एक मिलिटेंट भी आपसे स्लिप थ्रू हो जाता है तो कुछ इंसिडेंट हो जाता है। ओके, और इस मेरा जो सलाउद्दीन साहब, मेरा सवाल करने का एक मकसद ये भी था कि आज ऐसा लग रहा था, बल्कि लग क्या रहा था, वो एक लाइव टेलीकास्ट भी दे रहे थे अपने हेडक्वार्टर की तरफ या जहां पर भी वो भेज रहे थे, एक तरफ वो फायरिंग कर रहे थे, हमले कर रहे थे, साथ ही वो मोबाइल से उसकी फुटेज, उसकी वीडियो भी भेज रहे थे वो अपने हेडक्वार्टर की तरफ या जहां पर भी वो स्टेशन की तरफ भेज रहे थे, तो क्या इस टेलीकम्युनिकेशन के सिस्टम को जैम करने के लिए, इसको हॉल्ट करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं है केपी पुलिस के पास? नहीं, ऑपरेशन में पुलिस ऑफिसर्स या सिक्योरिटी के जवान जो होते हैं वो इन चीजों पर कॉन्सेंट्रेट तब करते हैं जब ये बेसिकली प्रायोरिटी को देखते हैं। अब इस ऑपरेशन में प्रायोरिटी यह थी कि बच्चों की जान बचाई जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस दो काम बड़ी मुस्तैदी से कर रही थी, एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों से लड़ रही थी और दूसरी तरफ जो है वो बच्चों को वहां से निकाल रहे थे। जैमिंग के इश्यूज में फिर बहुत सारे उसके और इश्यूज आ जाते हैं जिसमें तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, इसलिए कि वो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मीडिया पे पास ऑन नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं और उसकी वजह से कुछ चीजें की जाती हैं, कुछ चीजें नहीं की जाती कभी कभी। ठीक है, आईजी खैबर पख्तूनख्वा सलाउद्दीन महसूद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। इसी हवाले से मजीद डिस्कशन को भी आगे बढ़ाएंगे, खासतौर पे पॉलिटिकल डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और इंटेलिजेंस के हवाले से। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं पिशावर में आज होने वाली दहशतगर्दी के हवाले से और अब चलेंगे इस्लामाबाद जहां से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के वजीर इत्तलात जनाब शाह फरमान साहब और सीनियर दिफाई तजियाकार जनाब जनरल अमजद शुएब साहब। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों हजरात को, और शाह फरमान साहब आपकी तरफ में आऊंगी। अभी IGKP से बात हो रही थी तो हम बार बार वही बात कर रहे हैं कि बर वक्त कार्रवाई की पुलिस ने, अपनी कैपेसिटी से शायद थोड़ा मजीद आगे पुश करके भी उन्होंने कार्रवाई की, फिर पाक फौज उनकी रिस्टोरेशन के लिए वो भी वहां पर पहुंची, बट स्टिल क्या आप नहीं समझते कि सिक्योरिटी लैप्स है, सिक्योरिटी लूप होल्स कहीं ना कहीं पाए जाते हैं? डेफिनेटली कुछ पुराने अरसे से ये लोग रैकी कर रहे होंगे, अंडरस्टैंडिंग कर रहे होंगे, इलाके को मॉनिटर कर रहे होंगे, इन्हें पता था कि किस कमरे में जाके कहां कहां से किसको निशाना बनाया जा सकता है, कितने मंजिलों से ग्रेनेड फेंके जा सकते हैं, फिर लाइव टेलीकम्युनिकेशन या लाइव फीड अपने स्टेशन में, अपने हेडक्वार्टर में या जहां पर भी ये लोग भेज रहे थे, जो कि TTP ने रिलीज भी कर दी है। तो टेलीकम्युनिकेशन को रोकने के लिए भी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के पास कैपेसिटी नहीं है। क्या कहेंगे इन मामलात पे, खासतौर पे खान साहब अभी चंद दिन पहले ही कह चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से 90% से ज्यादा दहशतगर्दी खत्म हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा बीबी, जैसे आपको पता है यहां पर 2004 से जो खैबर पख्तूनख्वा जो कि फ्रंट लाइन स्टेट है और यह सारा कुछ अफगानिस्तान के अंदर सारा कुछ हो रहा है, उधर से जो फ्रंट लाइन प्रोविंस की हैसियत से ये एरिया जितना वल्नरेबल है, और जिस तरह आपने सलाउद्दीन साहब IG खैबर पख्तूनख्वा की बात सुनी कि कितने लोग उन्होंने पकड़े हैं, कितने अनर्थ किए हैं, उनके ऑपरेशंस कितनी कामयाब हुई है, जो थ्रेट परसेप्शन है और जो है वो तो अपनी जगह पर है, बरोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो पुलिस और फौज की कारकर्दगी है वो इस सीन में उस और ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। तो वो अगर आप स्टेटिस्टिक पढ़ लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी एजेंसीज की क्या है। जो असल इशू है वो ये है कि हमारे पास ये इख्तियार नहीं है कि हम बॉर्डर क्रॉस कर जाएं। अगर हम बाड़ लगा रहे हैं, गेट लगा रहे हैं, उसके ऊपर भी एतराज़ हो रहा है। हम ये वायलेशन नहीं कर सकते कि बॉर्डर क्रॉस करें। आज एशिया हार्ट कॉन्फ्रेंस में अशरफ गनी साहब ने, प्रेजिडेंट अफगानिस्तान ने, यह बात की कि जी हमने दहशतगर्दों को पहाड़ों तक महदूद रखा। इसका मतलब है कि उसने खुद ही कन्फिस किया, और अगर पहाड़ों तक महदूद करना है तो वो तो सारा अफगानिस्तान पहाड़ ही पहाड़ है। तो इसका मतलब ये है कि वो मानते हैं कि इधर है, उसके बावजूद अगर वहां पर अफगान। लेकिन शाह फरमान साहब, मेरा सवाल, मेरा पॉइंट ये है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आज सवेरे ही सरहद क्रॉस करके आए हों या कल रात सरहद क्रॉस करके आए हों, या अगर ऐसा भी हो तो कम से कम उनके लिए कोई ना कोई तो यहाँ पे रैकी कर रहा था, कोई ना कोई तो यहाँ पे मॉनिटर कर रहा था, तो उन सहूलत। देखिए गरीदा बीबी, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वो प्लान करके आते हैं और वो जितने करीब है, और इसीलिए तो इस तनाजर में अगर आप देखें कि हम फाटा की मर्जर की भी बात करते हैं इस तनाजर में कि देखो अगर तो वो इतने करीब है, वो अगर 30 मिनट्स 40 मिनट्स बॉर्डर से अगर टोटल डिस्टेंस बनता है अगर वो आते हैं तो, और फिर इतना बड़ा बॉर्डर है और उसके ऊपर जब हम बार लगा रहे हैं उसके ऊपर जो एतराज़ात हो रहे हैं, जो हमने गेट लगाने की कोशिश की उसके ऊपर जो एतराज़ात आए, उस साइड से वो कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें कहते हैं कि डू मोर का, हमें कहते हैं पाकिस्तान के अंदर उनकी जगह नहीं है, हाइड आउट्स नहीं है, उनके सेफ हेवन्स नहीं है, लेकिन अफगान प्रेसिडेंट के आज के स्टेटमेंट से पता चलता है कि उन्होंने खुद ही कन्फ्यूज किया कि है। अब दूसरी बात है कि हमारी तैयारी कितनी है, हमने क्या किया है। तो ये सिर्फ आपको तो अंदाज़ा है कि ये बदकिस्मत वाकया काफ़ी अरसे बाद हुआ, दो वाकयात हुए, एक DIG के ऊपर अटैक और ये वाकया। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें पिछले अदवार से, क्योंकि थ्रेट वही है, अफगानिस्तान वही है, लोग वही है, उनके इरादे वही है, उनके अजायम वही है, लेकिन जितना हम कंट्रोल कर चुके हैं। शाह फरमान साहब, इस पर भी मैं आपके पास आऊंगी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही होना था कि आखिर ऐसा क्या वजह है कि इलेक्शन का साल शुरू हो चुका है, सियासी गैर यकीनी बढ़ती जा रही है और साथ साथ दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। बट ये सवाल आपकी तरफ लेके आने से पहले जरा जनरल अमजद शुएब साहब को डिस्कशन में इन कर लें। जनरल साहब, आप इन सारे मामलों को बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझते भी हैं। ये जो अफगानिस्तान का एलिमेंट है, खासतौर पर अशरफ गनी साहब हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं, वहां पर दहशतगर्दी
कारकर्दगी के खात्मे की बात करते हैं। हमारे वजीर आजम साहब शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं, वो वहां पे कहते हैं कि अफगानिस्तान का अम पाकिस्तान चाहता है और अपनी सरजमीं दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। फिर अफगानिस्तान के DGMO साहब वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन इस तरह के सरहद पार हमले रुकने में आ नहीं रहे, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो मुझे समझ लगती है और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बात करते रहे हैं, दहशतगर्दी सिर्फ एक मुल्क का मसला नहीं है, ये खित्ते की प्रॉब्लम है, क्योंकि दहशतगर्दों के ठिकाने बहुत सारे ममालिक में हैं जहां से वो ऑपरेट कर रहे हैं, ख़ासतौर पे हमारे हमसाया ममालिक, और बास को तावन हासिल है वहाँ की हुकूमतों के। अब आप देखिए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अफगानिस्तान का दौरा किया, फिर वो ईरान गए, ईरान के अलावा सऊदी अरब और UAE गए, ये चार मुल्क थे जिनका कोई ना कोई किसी न किसी शक्ल में वास्ता पड़ता था। ईरान और अफगानिस्तान से तो डायरेक्ट ये चीज़ की जा रही है, चुनाचे बड़ी कोशिश की गई है कि इन ममालिक का तावन हासिल किया जाए ताकि वो अपनी सरजमीन से फंड्स की तरसील या फिजिकल जो उनको हेल्प मिलती है उसको कंट्रोल करें। अब चीज़ ये है कि अफगानिस्तान में जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनके साथ मिल के एक कॉन्फ्रेंस भी की और बॉर्डर मैनेजमेंट का एक सिस्टम वज़ा किया, जिसके सिलसिले में अभी उनके DGMO भी इधर आए हुए हैं, तो वो चीज़ अभी तक पूरी तरह उस पर अमल दरामद हो नहीं सका, क्योंकि अफगानिस्तान का मसला ये है कि वो बहुत सारा कुछ बात करके तय तो कर लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के वक्त में उनके अपनी सफ़ों में इत्तेहाद ना होने की वजह से वहाँ पर उनको अपोजिशन आती है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं पिशावर में आज होने वाली दहशतगर्दी के हवाले से, और इसी सेगमेंट में हम बात करेंगे लाहौर के धरने के मुतालिक भी। इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के वजीर इत्तला'आत शाह फरमान साहब, सीनियर दिफाई तजिया का जनरल अमजद शुएब साहब, और टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज मजहबी स्कॉलर अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर, ये फरमाइएगा कि एक तो मुल्क में बढ़ती हुई सियासी गैर यकीनी है, फिर उस पर बढ़ती हुई दहशतगर्दी, कहाँ पर कोई खामी रह रही है हुकूमतों से? एक तो इस पर अपना तबसरा फरमा दीजिएगा। दूसरा, लाहौर में ये धरने को आज एक हफ्ता मुकम्मल हो गया है, पहले इस्लामाबाद पिंडी वालों की जिंदगी अजीरन हुई थी, अब लाहौर वालों का जीना महाल हो गया है, तो ये धरने वालों को किस तरह से रजामंद किया जाए कि अब ये लाहौर से अपना धरना उठा दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम के जरिए शुहदा के लवाहिकीन के साथ ताजियत और उनके साथ इजहार यकजहती और उनके लिए सबर और इस्तकामत की दुआ और शुहदा के दर्जात की सरबुलंदी की दुआ, और उसके साथ गुजारिश ये है कि हमें वाजह तौर पर अब अपनी पॉलिसियों को बनाना होगा। एक मुल्क के अंदर हमें जो नैरेटिव है अपना, कौमी नैरेटिव, वो बताना होगा कि हमारा कौमी बयानिया क्या है, और मुल्क से बाहर हमें अफगानिस्तान से अब सीधी बात करनी होगी कि रोज आप हमें लाशें देते हो, आपकी तरफ से हमें दहशतगर्दी, तखरीबकारी, बम धमाके, खुदकुश हमले मिल रहे हैं, और हम कहते हैं हम आपके अमन के लिए हमने अपने आप को कुर्बान कर दिया। 80 की दहाई से लेकर आज तक हमें अफगानिस्तान से क्या मिला है? क्लाशनकोफ कल्चर, हीरवन कल्चर, खुदकश हमले, बम धमाके, और अगर अफगानिस्तान नहीं संभाल सकता तो उसकी सजा हम क्यों भुगते? ये अफगान ग्रोह आपस में बैठे, आपस में तय करें, लेकिन अगर वहां बैठ के हिंदुस्तान और अमेरिका और अफगानिस्तान की एजेंसियां पाकिस्तानियों के खून से खेलना चाहती हैं, तो हमें इस पर अपनी वाजे पॉलिसी अपनानी होगी और वाजे दो टोक अंदाज में बात करनी होगी। जब तक आप अफगानिस्तान से दो टोक अंदाज में बात नहीं करेंगे, अफगानिस्तान को लगता ही है आप ये बात समझ नहीं आएगी, और आपको सारे शवाहिद मौजूद हैं। आज तो ओबामा ने भी कहा कि ओसामा ने पाकिस्तान को पता नहीं था, इसके बाद भी हमारी ना कुर्बानियों को तस्लीम किया जाता है, ना हमारी जद्दोजहद को माना जाता है, और हम ही पे जोर दिया जाता है टू मोर का, जबकि अब जरूरत यह है कि ये खुद जो है पाकिस्तान के अंदर और दुनिया में, मैं आपसे अर्ज करूं कि इस वक्त दाश को पाकिस्तान से मुंसलिक इलाकों में आबाद किया जा रहा है, जो पाकिस्तान बनी बॉर्डर के साथ साथ अफगानिस्तान के इलाके हैं। ये क्यों को कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, इन सब को हमारे माशाल्लाह फौज और इदारे जाग रहे हैं, वो देख रहे हैं, लेकिन अब
जरूरत इस बात की है कि हमारी हुकूमत, हमारी फौज, हमारी सलामती के इदारे वाजे और दोटोक अंदाज के अंदर ये जो अफगानिस्तान की हुकूमत का रवैया है इस पे बात करें। अगर वो अमन से रहना चाहते हैं तो हमें भी अमन से रहना है, और अगर वो दाखिली इंतिशार पर काबू नहीं पा सकते तो इसमें हमारा जुर्म क्या है, हमारा कसूर क्या है? हमने अब भी 30 लाख अफगान मुहाजरीन को यहाँ रखा हुआ है, हमारा जुर्म ये है कि हम अपना पेट काट के इनको पाल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अलामा ताहिर अशफी साहब। यही मामला लेके शाफ रहमान साहब आपकी तरफ पे जाऊंगी और मान कायरा साहब भी कुछ देर में हमें ज्वाइन करने वाले हैं। शाफ रहमान साहब, ब्रेक पे आने से पहले जो जनरल अमजद शोएब साहब ने एक पॉइंट रेज किया था कि पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी की जगह जो नॉन फंक्शनैलिटी है फेडरल गवर्नमेंट की, उनका मकसद था, तो क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को फंक्शन होने के लिए भी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ देखना पड़ेगा, जाति उम्रा की तरफ देखना पड़ेगा? जो पॉलिसी बनाना आपके सूबे का फर्ज है वो तो आप लोग उसमें खुद मुख्तार हैं। और ये बताइएगा कि ये जो सियासी गैर यकीनी बढ़ती जा रही है, दहशत गर्दी बढ़ती जा रही है, आपको लगता है इसका कोई कनेक्शन डेलिबरेट इलेक्शन ईयर के साथ है? देखिए जी दरीदा, अगर आप देखें जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, प्रोटेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं, जिस तरह पुलिस की परफॉर्मेंस आपके सामने है, पुलिस और पाक फौज की कोऑर्डिनेशन आपके सामने है, पुलिस की फैसिलिटेशन आपके सामने है, एक फ्रंट लाइन प्रोविंस जो कि दहशतगर्दी की एक लहर थी, आज अल्लाह के करम से जितना कंट्रोल है ये प्रोविंस प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर सकती है। जो चीज़ें फॉरेन पॉलिसी के साथ रिलेटेड है कि फॉर एग्जांपल हम ये बता दें, हम ये एस्टेब्लिश करें कि हमारे पास हाइड आउट्स नहीं है, हमारे पास सेफ हेवन नहीं है, अफगानिस्तान से सारा कुछ हो रहा है, हम अफगानिस्तान हम बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकते, या तो अगर वो हमें रिक्वेस्ट कर दें हम अपने आर्मी से रिक्वेस्ट कर देंगे कि अंदर जाके उनको सॉर्ट आउट करो, लेकिन जो वो कर रहे हैं, जो इंडिया कर रही है, जो ईरान चाबहार में कर रहा है, जो अमेरिकन अफगानिस्तान के अंदर कर रहे हैं, इसके जवाब देने के लिए आपके पास इंडिपेंडेंट लीडरशिप होनी चाहिए। जो जनरल साहब ने बात की है, मैं इसको और कंटेक्स्ट में ले रहा हूं। अगर फर्ज करें आप 22 करोड़ आवाम का एक मुसलमान मुल्क जो न्यूक्लियर स्टेट है, जिसके ऊपर आपके सारे मुखालिफिन की पॉलिसीज फोकस्ड है, वो आपको एथनिक लिंग्विस्टिक कल्चरल सेक्टेरियल लाइन में डिवाइड करना चाहते हैं, उनसे डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा पाकिस्तान, ऊपर से आपकी लीडरशिप की 2000 कमजोरी, यानी मुझे आप गरीदा बताएं कि अगर किसी की कमजोरी हो, अगर मेरे फाइल उधर पड़े हों, मेरे लॉन्ड्रेड मनी उधर पड़ी हो, मेरे उधर एसेट्स पड़े हों, वो इंटरपोल के जरिए मुझे किसी वक्त अरेस्ट कर सकते हैं, अगर मैं एक गुलाम बंदा हूं मैं कैसे न्यूक्लियर स्टेट को लीड कर सकता हूं? नॉन फंक्शनैलिटी नहीं है, असल चीज ये है कि आपकी लीडरशिप की इतनी कमजोरियां हैं कि वो आगे बोल नहीं सकते, उनके अंदर ये हौसला नहीं है कि वो आगे बात करे, लिहाजा आपने सर झुका के जाना होता है। लेकिन आपकी लीडरशिप पर इमरान खान साहब नहीं, मैं हमारे ऊपर जो खैर गरीदा, जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी हमें इफेक्ट कर रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो दार इख्तियार है वो इफेक्टिवनेस आपके सामने है, वो जो हमारी परफॉर्मेंस है आप यहाँ से एक बड़ा वैलिड और बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन होता है जनरल अमजद, आपको नहीं मैं जरा भी इसको जरा पार्ट बी में भी इसके साथ ऐड करना चाहता हूँ। आपने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात की और आपने इलेक्शन ईयर की बात की, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हिस्टोरिकली आप देखें इस मुल्क के अंदर जो रिलीजियस फैक्टर सामने आते हैं, जब जब किसी ने अकीदे खत्म नबूत के ऊपर अगर कॉम्प्रोमाइज किया, उसकी हिस्ट्री आपके सामने, लेकिन मैं ये बताऊँ जो कानून बनता है, हमने रिकॉर्ड लेजिस्लेशन प्रोविंशियल असेंबली के अंदर की है सुबह खैबर पख्तूनख्वा में, कानून बनाने का एक मकसद होता है। आप शाह फरमान साहब आपके पास दोबारा भी आऊंगी, इस वक्त कमर जमान कायरा साहब आने की है, सवाल कर लूं, खत्म कर रहा हूं, नहीं मैं आपको खत्म कर रहा हूं जी, आपकी पॉलिटिकल नॉन फंक्शनलिटी की बात कर रहा हूं। मुझे ये बताओ कि वो कौन से मुहर्रिकात थे और हमारी लीडरशिप की वो कौन सी कमजोरी थी और ये किसकी जरूरत थी कि वो अकीदे खत्म नबूवत के ऊपर कंप्रोमाइज कर गए? अगर इतने ही बुज़दिल और सरनिगो लीडरशिप ठीक है तो इस न्यूक्लियर सर इसी किस्म के सवालात सर मुझे कायरा साहब से करने की इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम कमर जमान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। सर पिशावर की दहशतगर्दी, मुल्क में बढ़ती हुई सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल, दहशतगर्दी बढ़ती हुई, इलेक्शन ईयर है, सर आपको एक कनेक्शन देखते हैं इसमें डेलिबरेट? देखिए बढ़ती हुई दहशतगर्दी
यकीनन इसमें गैर मुल्की हाथ है, टीटीपी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है जी। और वो जो हाथ है उसके बारे में हमें कोई डाउट नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए तालिबान है या उनको हिंदुस्तान की इमदाद है, उनको खुफिया एजेंसियां जो अफगानिस्तान की और इंडिया की उनकी इमदाद है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त इनटॉलरेंस बढ़ रही है, इसमें गरीदा हमें बड़ा एक मोहतात अंदाजा लगाने की जरूरत है कि ये जो बिल जिससे पूरी कौम का दिल दुखा है और बड़ी तकलीफ हुई है और लोगों के जज्बात मजरूह हुए हैं और उस पर बड़ा भरपूर रिएक्शन आया जो आना चाहिए जी। लेकिन इसको एक चीज और भी देखने की जरूरत है कि क्या असेंबलियों के इलेक्शन लड़ने के लिए नॉमिनेशन फॉर्म के साथ जो हलफनामा है उसमें से अगर एक लफ्ज ओमिट किया जा रहा है तो उसके बाद कई और हलफनामे हैं जो मेंबर बनने के बाद भी हलफ उठाए जाते हैं, क्या वो तो नहीं चेंज हो गए? दूसरी गुजारिश है कि क्या इससे पाकिस्तान के अंदर वो कानून तो खत्म नहीं हो गया? इलेक्शन के नॉमिनेशन पेपर में अगर कोई तब्दीली करने की किसी ने दानिस्तन या ना दानिस्तन कोशिश की है तो फिर भी समझने की जरूरत है। तीसरी गुजारिश ये है हाँ, लेकिन ये टॉलरेबल नहीं था, इस पर रिएक्शन कौम का बड़ा मुनासिब आ गया, बड़ा जोरदार आ गया। लेकिन खुदा न खास्ता खत्म नबूवत का मामला रीओपन करने की बात कोई सोच भी नहीं सकता, अगर वो करेगा उड़ा के रख दिया जाएगा। लेकिन ये बात गौर करें कि खत्म नबूवत का ये इशू छेड़ने से पहले ये जो इशू है हलफनामा नॉमिनेशन पेपर्स का जी। नॉमिनेशन पेपर फॉर इलेक्शन सिर्फ वो लोग जो इलेक्शन लड़ेंगे उनके लिए, उसके अंदर तब्दीली बुनियादी तौर पे जो जिससे पूरा एक कजिया खड़ा हुआ जी। इससे हुआ क्या है? मुल्क के अंदर इससे पहले डिबेट ये थी कि मियां नवाज शरीफ उनकी फैमिली और इस मुल्क के अंदर बड़े बड़ों की इसाकदार साहब बाकियों की करप्शन की दास्तानें थी, अदालतों के अंदर पेशियां थी, पानामा इशू था, करप्शन का जो काउंटर करप्शन और इस मुल्क के अंदर बेहतर गवर्नेंस, ये एक डिबेट थी मुल्क के अंदर। क्या आज वो डिबेट रह गई है? अचानक वो डिबेट मंजरे आम से गायब हो गई है और एक और डिबेट ने टोटल चीजों को बिल्कुल टेक ओवर कर लिया है, ये भी एक एंगल है, इसको भी देखने की जरूरत है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली कमर जमान कायरा साहब, आप बड़े पर्टिनेंट पॉइंट्स उठा रहे थे। आई विश कि मेरे पास टाइम ज्यादा होता तो आपसे अमजद शोएब साहब से इसका मजीद डिस्कशन करती। बहरहाल बिल्कुल प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए अमजद शोएब।